हमारे साथ प्रमोद जी हैं जिन्होंने ये आयोजन रखा है, हम उनसे जानते हैं कुछ इनके इस प्रोग्राम के बारे में। प्रमोद जी, आपने ये प्रोग्राम जो रखा है क्या सोचकर रखा आपने ये सुंदरकांड? ये मैम, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों का बहुत आभारी हूँ जो सबने हमें टाइम दिया, यहाँ के काउंसलर ने और हमारी अनीता मैम जो आई यहाँ पर और हमारा हमें अपना कीमती टाइम दिया। और हमारा जो उद्देश्य ये है कि हमारी संस्था प्रोग्रेसिव ट्रस्ट फॉर द ब्लाइंड, आने जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथी हैं, उनको सबसे पहला हमारे जो समस्या है वो ये है कि हमें सबसे पहले हमें रहने को बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे हम लोग किराए पे रह रहे हैं मैरोली में। हम चाहते हैं, हम सरकार से ये मांग करते हैं और सभी से ये मांग करते हैं कि हमें अच्छा कुछ रहने को आवास मिले, जो कि सभी ब्लाइंडों को एक हॉस्टल टाइप में मिले, जैसे कि जिसका हमें किराया ना देना पड़े। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं पढ़ने लिखने के लिए, जो मटेरियल उपलब्ध हमें नहीं हो पाता है, वो भी हमें सरकार से अपेक्षा है कि हमारी मदद सरकार पूरी करेगी। यही दुआ करते हैं कि सरकार आपकी वो सारी जरूरतों को पूरा करे जो आप चाहते हैं। आइए देवेंद्र सिंह जी से मिलते हैं। देवेंद्र जी, आप बताइए इस कार्यक्रम के बारे में। ये हमने प्रोग्राम अपने लोगों के लिए किया है, मैं चाहता हूँ हमारे लोगों सब लोग हमारे सहयोग करें। संस्था का हमारी संस्था बहुत मतलब बहुत अभी शुरुआत हमारी, अभी हम चाहते हैं हमारे सब सपोर्ट करें। मैं एक मेरी कोई नौकरी नहीं है, मैं जितना होता है मैं सहयोग करता हूँ संस्था का, और मैं चाहता हूँ लोग हमारे सब सपोर्ट करें। लड़के हमारे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग है, तो मैं मेहरूली से निगम पार्षद हूँ, साथ ही हेल्थ कमेटी की चेयरमैन भी हूँ। ये बहुत खुशी की बात है। अभी आप जैसे यहाँ पर आए, आपने अपना सहयोग दिया, आपको क्या लगता है ये संस्था के बारे में, जिन्होंने ये शुरू किया है वो खुद भी नहीं देख सकते, आपका क्या विचार है इस पे? एक छोटी सी बात कहूँगी जो मैं मंच से नहीं कह पाई, ये देख नहीं सकते बात सत्य है, पर ये जब भी देखते हैं तो सुंदर ही देखते हैं, अपनी मन की आंखों से सुंदरता देखते हैं, और इस दुनिया का चित्रण जो इनके मन में होता है वो सुंदर ही होता है। आप ये सुंदर सा सुंदर कांड की आवाज़ आपके कानों में आ रही होगी। जब ये इनविटेशन मेरे पास आया तो मुझे थोड़ा मतलब यकीन सा नहीं हुआ कि कैसे करेंगे, लेकिन इन्होंने अपनी वीकनेस को अपनी शक्ति बनाया है, और आज उस शक्ति के बल पर ये सुंदर कांड का आयोजन ये यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके लिए मैं इनकी प्रोग्रेसिव ट्रस्ट फॉर ब्लाइंड है, इसको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और हर प्रयास, हर संभव जो मुझसे मदद हो सकती है संस्था के लिए मैं अवश्य करूँगी। आरती जी, जैसे आपने कहा कि आपको यकीन नहीं आया जब इन्होंने आपको इनवाइट किया था, किस तरह से ये संस्था को चलाएंगे, आपको क्या लगता है हमारे समाज के जो लोग हैं क्या इनको किस तरह से सपोर्ट करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो सिचुएशन हमारी अभी जो चल रहा है, जिस तरह का वातावरण है, हर नागरिक जागरूक है, हर व्यक्ति मदद करता है, और ये स्वयं भी इतने सक्षम है कि ठीक है एक सेंस काम नहीं कर रहा, लेकिन इनका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, और भगवान ने ऐसी शक्ति इनकी ऊर्जा भरी है कि इन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। जैसा कि अभी आपने स्टेज पे देखा, ये स्वयं में सक्षम है, तो ये कमज़ोर नहीं है, इन्हें कमज़ोर ना समझिए, लेकिन हाँ, हमसे हर संभव जो मदद हो सकती है, मैं आपके माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे भी यही विनती करूंगी कि हमसे जो संभव मदद हो सकती है हमें इन लोगों की करनी चाहिए, इनकी शक्ति बनना चाहिए, इनकी शक्ति में हमें इनका साथ देना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात जो आपने कही है। एक लास्ट बात मैं आपसे आती थी पूछना चाहूंगी, अभी स्टेज पर मंच पर आपने कहा हमें प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको लगता है लोग इस बात को सुनते और समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लोग सुनते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखे जो जो आह्वान किया वो जनता ने सुना है, उन्होंने झाड़ू लेके झाड़ू लगाई तो आज लोग कोने कोने में झाड़ू लगा रहे हैं, उन्होंने स्वच्छता का प्रतीक कायम किया तो लोग उनका साथ दे रहे हैं, मोदी जी ने आह्वान किया कि आप सिलेंडर की सब्सिडी छोड़िए तो कितने करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, यानी कि उनकी बात सुनी जा रही है। इतने सारे डे, वैलेंटाइन डे, बुक डे, रोज डे मनता था, उन्होंने योगा डे दिया, पूरे विश्व ने उनकी बात सुनी। अब आज अगर उन्होंने ये आह्वान किया है कि प्लास्टिक को छोड़ना है, तो मुझे लगता है पूरा देश सुन रहा है और पूरे देश के लोग साथ दे रहे हैं। मैं इस मेहरोली वार्ड से काउंसलर हूँ, यहाँ का अनुभव मैं आपको बताती हूँ कि लोगों का बहुत साथ है। हम लोगों से कहते हैं आप प्लास्टिक मत यूज़ करिए, लोगों ने उसी दिन से प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दिया है,
देखिए कि प्रक्रिया है, समय लगता है हर चीज़ को ठीक होने में, समय लगता है, इतने सालों की बिगड़ी हुई चीज़ें हैं तो ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन हाँ जनता जागरूक है और मुझे खुशी है कि वो हमारा साथ दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी हमारे साथ बने रहने के लिए। हेडलाइंस इंडिया टुडे से रेखा सचदेवा आप सबका स्वागत करती है। आइए मिलते हैं जो यहाँ के प्रोफेसर। सर आपको यहाँ आकर कैसा लगा? नहीं यहाँ असल में क्या है कि मेरे ये सब प्राय मेरे विद्यार्थी रहे हैं तो उनका ऐसा आयोजन है तो बहुत स्वाभाविक है कि मुझे तो अच्छा ही लगना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मेहरोनी जो हमारे विद्यार्थी अंध महाविद्यालय से आई है उनकी सहायता।